So hey guys, and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So video का thumbnail और title देखे तो तुम समझ ही गए होगे किस चीज़ पे video है. तो ये list मैंने कुछ personal opinions पे बनाया है कि कुछ कुछ bike मैंने इसमें चलाया भी है जो मुझे personally बहुत अच्छे लगे हैं. तो उस basis पे मैंने compare किया है, compare ने list किया कि कौन कौन long rides के लिए अच्छे हो सकते हैं. तो तुम video पूरा देखना और कमेंट में मुझे ये बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा क्या होना चाहिए. तो इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है हीरो का एक्सपल्स 200 जो स्पेशली लॉन्ग राइड्स और ऑफ रोडिंग के लिए बना है. तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये 199.6 सीसी की इंजन है जो 18.1 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करती है एट 8000 आरपीएम. और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 17.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एट 6500 आरपीएम. तो ये लाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका बजट कम है बट उन्हें लॉन्ग राइड्स करना पसंद है. तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 1,28,000 पड़ जाएगा ऑन रोड जो इसका फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट है. तो ओवरऑल वी कैन से इट एज सस्ता हिमालयन, डोंट बॉदर इट, क्योंकि इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैंडगार्ड्स और विंडशील्ड भी लगे हुए हैं. सो ओवरऑल इट्स गुड इनफ. तो अब मैंने अपने लिस्ट पे नंबर 4 पे रखा है बजाज डोमिनार 400 को जो 2016 डोमिनार 400 का फुल्ली अपडेटेड वर्जन है जिसमें बहुत से मेजर चेंजेस हुए हैं. लाइक इसमें 373.3 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 38.8 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करता है एट 8650 आरपीएम. और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूँ तो ये 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 7000 आरपीएम. तो ये लाइक उन लोगों के लिए है जिनको स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है. और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 2,35,000 पड़ जाएगा ऑन रोड. बजाज ने स्पेशली डोमिनार के लिए कुछ लॉन्ग राइड एक्सेसरीज भी लॉन्च किए हैं जैसे क्रैश गार्ड एंड कैरियर. चाहो तो उसमें हैंड गार्ड्स, विंडशील्ड भी इंस्टॉल करवा सकते हो. तो लाइक सब कुछ मिला के मैंने इसे नंबर 4 पे इसलिए रखा है ड्यू टू बजाज इंजन, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे हैं कि इंजन में बहुत वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो इसीलिए. बट ओवरऑल इट्स अ गुड बाइक. सो नाउ नेक्स्ट अप इज़ दी मोस्ट कॉमन टूरिंग बाइक ऑफ ऑल टाइम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लॉन्ग राइड्स के लिए इज द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड 500. सो दिस बाइक इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल क्लासिक बाइक विथ मस्कुलर बॉडी एंड इम्प्रेसिव सीट कम्फर्ट. तो अगर मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 के स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये 27.57 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करती है एट 5250 आरपीएम. और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 41.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एट 4000 आरपीएम. तो ये लाइक रॉयल एनफील्ड का मोस्ट कॉमन बाइक है ऑफ ऑल टाइम. अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका ऑन रोड प्राइस है 2,27,000 और कंपनी 35 का माइलेज क्लेम करती है. तो इस लिस्ट में मैंने नंबर 2 पे रखा है इंटरसेप्टर 650 जो बहुत के लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है बट आई बिलीव फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये बाइक लॉन्ग राइड्स और टूरिंग पर्पस में बहुत अच्छी हो सकती है. तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये 648 सीसी की इंजन है इसमें जो 47 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करती है एट 7250 आरपीएम. और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एट 5250 आरपीएम. इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस एंड सीट कंफर्ट ये नंबर 1 पे आ सकती थी बट ड्यू टू इट्स ओवरप्राइस्ड रेंज
इसलिए मैंने इसको सेकंड पे रखा। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये ऑन रोड 3,50,000 पड़ जाता है, जो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट, पावर, परफॉर्मेंस ये बाइक बहुत अच्छी है। आई मीन इट्स रियली रियली स्मूथ। तो इस लिस्ट में नंबर वन पे आता है द ऑल टाइम टूरिंग बाइक रॉयल एनफील्ड का हिमालयन, जो रॉयल एनफील्ड ने स्पेशली लॉन्ग राइड्स, ऑफ रोडिंग, टूरिंग पर्पस के लिए बनाया है। सो ब्रीफली वी कैन कॉल इट द फादर ऑफ ऑल बाइक्स इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग राइड्स। तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें 411 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो 24.3 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है एट 6,500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 4,500 rpm। तो मेरे हिसाब से ये बाइक वर्थ बाइंग है फॉर दिस प्राइस रेंज, जो कि है 2,30,000 विद अ गुड माइलेज ऑफ 45 kmpl विद ग्रेट सीट कंफर्ट एंड पॉस्चर।